हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 में से सम नंबर 6 एंड 7। तो यहाँ पर सम नंबर 6 की स्टेटमेंट है, शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में उसकी अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को जॉइन करने वाले लाइन सेगमेंट एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है जिसका नाम है ए बी सी डी, और हमने इसकी साइड्स के मिड पॉइंट को नाम दिया है ई एफ जी एंड एच। और हमें ये प्रूव करना है कि जैसे कि अगर हम इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जॉइन करते हैं, यानी कि अगर हम जी और ई को जॉइन करते हैं और इसी तरह से एच और एफ को जॉइन करते हैं, तो हमें प्रूव करना होगा कि ये दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गिवन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ई जी एंड एफ एच आर द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स। यानी कि हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में गिवन है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और इस ए बी सी डी के अंदर ई जी एंड एफ एच ये ऐसे लाइन सेगमेंट्स हैं जो इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को जॉइन करने से बने हैं। और हमें यहाँ पर यही प्रूव करना है कि ये जो ई जी और एफ एच है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ई जी एंड एफ एच बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इस डायग्राम में कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पर है इनको हमने खुद अपनी तरफ से बाद में ड्रॉ किया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जॉइन ई एफ, एफ जी, जी एच, एच ई एंड ए सी। तो ये सभी जो डॉटेड लाइन है ये हमने खुद अपनी तरफ से ड्रॉ की है। तो अब हम करेंगे इस सम का प्रूफ। इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले यूज़ करेंगे ट्राइंगल ए बी सी को। तो आप देख सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ए बी का मिड पॉइंट है ई और बी सी का मिड पॉइंट है एफ। तो इस तरह से जब हम इन दोनों मिड पॉइंट्स यानी कि ई और एफ को ज्वाइन करते हैं, तो इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट इस ट्रायंगल की थर्ड साइड यानी कि ए सी के इक्वल, ए सी के पैरेलल भी होगा और इसके हाफ के इक्वल भी होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी का मिड पॉइंट ई है, बी सी का मिड पॉइंट एफ है। तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके हमने ये लिख दिया है ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड ई एफ इज पैरेलल टू ए सी। यहाँ पर हमने यूज़ किया है मिड पॉइंट थ्योरम को और इस स्टेप को हम यहाँ पर नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरह से अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ट्राइंगल ए डी सी का। तो आप देख सकते हो कि ये ट्राइंगल है ए डी सी जिसके अंदर जो मिड पॉइंट एच और जी को जब हम ज्वाइन करेंगे, तो इनको ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बना है ये भी इस ए सी के पैरेलल होगा और इसके हाफ के इक्वल होगा। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी का मिड पॉइंट है एच, सी डी का मिड पॉइंट है जी, तो एच जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड एच जी इज पैरेलल टू ए सी। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दो इक्वेशन बनी हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इनकी राइट हैंड साइड सेम है। तो अगर इनकी राइट हैंड साइड सेम है तो हम इनके लेफ्ट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ई एफ इक्वल्स टू एच जी। और इसी तरह से हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ई एफ इज पैरेलल टू एच जी। तो अगर ई एफ एंड एच जी एक दूसरे के इक्वल भी हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, इसका ये मतलब होगा कि ई एफ जी एच एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर ही उसकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। यानी कि हमने अभी यहाँ पर यह प्रूफ कर दिया है कि ई एफ जी एच ये एक पैरेललोग्राम है। और हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है कि पैरेललोग्राम के डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ई एफ जी एच के जो डायगनल हैं वो हैं ई जी और एफ एच। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ई जी और एफ एच एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम के डायगनल है। और यही इस सम के अंदर हमें प्रूव करना था कि ई जी एंड एफ एच बाइसेक्ट ईच अदर।
तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि क्योंकि ई एफ जी एच एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसलिए ई जी एंड एफ एच भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और यही इस सम के अंदर हमें प्रूफ करना था। अब इसके बाद सम नंबर 7, तो सम नंबर 7 की स्टेटमेंट है ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी, और यहाँ पर सी का जो मेज़रमेंट है वो है 90 डिग्री। तो आगे हमें कहा गया है कि अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। तो जैसे कि आपको पता है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पर 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है ए बी, ये हाइपोटेन्यूज है, और इस हाइपोटेन्यूज ए बी का मिड पॉइंट है एम। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इस M के थ्रू एक लाइन ड्रॉ की गई है इस तरह से एंड पैरेलल टू BC। ये जो M के थ्रू एक लाइन ड्रॉ की गई है MD, ये इस BC के पैरेलल है। तो हमें यहाँ पर ये शो करना है, तीन पार्ट हैं जो हमें शो करने हैं। सबसे पहले D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, हमें पहले पार्ट में शो करना होगा कि जो पॉइंट D है ये इस AC का मिड पॉइंट है। फिर सेकंड में हमें शो करना है कि जो एम डी है ये इस ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और फिर इसके थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि सी एम और एम ए ये दोनों हाफ ऑफ ए बी के इक्वल होने चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो सम में हमें गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर एंगल सी है 90 डिग्री का, और ए बी जो इसका हाइपोटेन्यूज है उसका मिड पॉइंट है एम, और एम के थ्रू जो लाइन ड्रॉ की गई थी वो बी सी के पैरेलल है, यानी कि बी सी इज पैरेलल टू डी एम। उसके बाद ये तीनों पार्ट हमें प्रूव करने हैं, तो इनको हम लिख देंगे यहाँ पर टू प्रूव के अंदर। फिर हम यहाँ पर करेंगे कंस्ट्रक्शन, यानी कि अपनी तरफ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसके लिए हम सी को एम के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो अब सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट के लिए, तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी है, इस ट्रायंगल के अंदर एम ए बी का मिड पॉइंट है, और एम के थ्रू जो लाइन ड्रॉ की गई थी वो इस बी सी के पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स का यूज़ करके हम ये लिख सकते हैं कि जो पॉइंट डी है वो इस ए सी का मिड पॉइंट होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी M is the midpoint of AB, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन था। BC is parallel to DM, ये भी हमें स्टेटमेंट में गिवन था। तो इसलिए midpoint theorem के कन्वर्स का यूज़ करके हम लिख सकते हैं कि D is the midpoint of AC, और फर्स्ट पार्ट में यही हमें प्रूफ करना था। इसके बाद हमें प्रूफ करना है सेकेंड पार्ट के लिए कि DM is perpendicular on BC। BC यहाँ पर आपको लिखना है AC। सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि MD, आप इसको DM भी कह सकते हो, कि ये AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। आपको यहाँ पर BC की जगह लिखना है AC। तो DM को AC के ऊपर परपेंडिकुलर शो करने के लिए हमें इस एंगल को 90 डिग्री का दिखाना होगा। तो जैसे कि हमें ये पता है कि DM और BC एक दूसरे के पैरेलल हैं, और अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कोरस्पोंडिंग एंगल की प्रॉपर्टी से। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 के अंदर बताया था कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इस तरह से जो दो एंगल बनेंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, और इनका नाम होता है कोरस्पोंडिंग एंगल। तो इसलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड पार्ट के अंदर कि एंगल ए डी एम एंड एंगल ए डी एम एंड एंगल ए सी बी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, और इसका रीज़न ये है कि ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल हैं। और इसमें से हमें पहले ही पता है कि ए सी बी एक 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर ए सी बी 90 डिग्री का एंगल है दैट मीन्स ए डी एम भी 90 डिग्री का ही एंगल होगा, और अगर ये 90 डिग्री का एंगल है दैट मीन्स एम डी उस ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये हमें सेकेंड पार्ट के अंदर प्रूव करना था। अब इसके थर्ड पार्ट में हमें ये शो करना है कि सी एम और एम ए एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, और साथ ही साथ ये ए बी के हाफ के इक्वल भी होने चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर पहले इन दोनों ट्रायंगल को, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इन दोनों को एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इन दोनों ही ट्रायंगल में
डी एम एक कॉमन साइड है, इसी के साथ साथ ये और ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और जब हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था कि जो डी है वो ए सी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब होगा कि ए डी और सी डी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इस तरह से ये तीन पार्ट्स इक्वल प्रूफ करके हम इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे पार्ट नंबर 3 के अंदर कि इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल सी एम डी, एंगल ए डी एम इक्वल्स टू सी डी एम, क्योंकि दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। इसके बाद ए डी और डी सी एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था कि डी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, इसलिए वो उसको दो पार्ट में ब्रेक करेगा, यानी कि ए डी और डी सी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और इन दोनों ट्राइंगल के अंदर जो डी एम है वो एक कॉमन साइड है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल ही एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। और यहाँ पर हमने जो रूल है वो यूज़ किया है साइड एंगल साइड, यानी कि हमने दो साइड और उन्हीं के बीच के एक एंगल को इक्वल प्रूव किया, और इस तरह से अब हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। और अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय यूजिंग सीपीसीटी हम ये कह सकते हैं सी एम इक्वल्स टू एम ए। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि हमने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाया था, तो सीपीसीटी से हम सी एम को इस एम ए के इक्वल लिख सकते हैं, सी एम इक्वल्स टू एम ए, और साइड में इसका रीज़न है सीपीसीटी। अब इसके बाद जैसे कि हमें स्टेटमेंट में ये गिवन था कि एम ए बी का मिड पॉइंट है, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो एम है वो ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब है कि जो एम ए है वो इस ए बी के हाफ के इक्वल होगा, यानी कि एम ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। और अभी हमने ये भी प्रूफ किया था कि जो एम ए है वो सी एम के इक्वल, यानी कि इसी के साथ हम यहाँ पर सी एम को भी लिख सकते हैं, यानी कि सी एम इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। और इसके थर्ड पार्ट में यही हमें प्रूफ करना था। तो ये था इस एक्सरसाइज का सम नंबर 7, और इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया है। अब जो इसके बाद चैप्टर नंबर 9 है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस चैप्टर के सभी सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।